सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पे विड्रो रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो क्या है ये लेटेस्ट अपडेट, चलिए जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी OSM सॉफ्टवेयर पे रिसेंटली जितने भी विड्रॉल लगे हैं वो सारे के सारे विड्रॉल रिटर्न आ चुके हैं उनके वॉलेट पर, ठीक है, कैंसिल हो करके। तो क्या है इसका एक्चुअल रीज़न जिसके वजह से ये कैंसिल हो गया है, और अभी आपको किस तरीके से विड्रॉ करना है, कौन सा वॉलेट इंस्टॉल करना है, क्या प्रोसीड्योर रहने वाला है, ठीक है, और विड्रॉ का यहाँ पर कब कब ऑप्शन विड्रो का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर मिलेंगे। एंड साथ ही साथ जिन्होंने 1 तारीख को विड्रो किया था अभी तक उनका नहीं आया तो उनका कब तक आ जाएगा वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो का एंड पे मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करें बिल्कुल एंड तक देखिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कैंसिल होने का एक ही रीज़न है, जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो भी हो रहा है, ठीक है। तो रीज़न यही है कि अभी जो भी एक्सचेंजर है जैसे वजीरेक्स, कॉइन स्विच, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंजर अभी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिसके वजह से वहाँ पे पेंडिंग पे आ गया। ऐसा नहीं है ओसमोस ने नहीं दिया, ओसमोस पैसा दे भी रहा है, किस तरीके से ट्रैक करना मैंने पिछले वीडियो पे बता भी रखा है, ठीक है, दे रखा है, लेकिन वहाँ पे एक्सचेंजर जो है उसको सही तरीके से वो नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से लोगों को वो पैसा जो या फिर टर्न नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा मैं बताऊंगा वीडियो का एंड पे, एंड वही रीजन है एक्चुअल। और अगर कॉइन स्विच की बात करें कि जितने भी लीडर्स कॉइन स्विच से किए होंगे तो उनका रीजन जो है कंपनी ने डायरेक्टली मना कर दिया कि उनका कुछ अपडेशन के वजह से यहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ रीजन है जिसके वजह से यहाँ पे जितने भी लोग विड्रो किए थे रिसेंट विड्रो वो कैंसिल हो चुके हैं और उनके इनकम वॉलेट पर वो क्रेडिट हो चुके हैं। अगर आप इनकम वॉलेट पर जा करके यहाँ पे व्यू पे जाओगे तो आपको वो दिख जाएगा, ठीक है, कि क्रेडिट हुआ या नहीं। तो अभी बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से अभी आपको यहाँ पे विड्रो करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, विड्रो करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अभी जो है कंपनी ने जितने भी लीडर्स यहाँ पे प्रोफाइल पे जा करके टर्न एड्रेस यहाँ पे अपडेट किए थे उनके यहाँ पे फ्लैश हो चुका है, कंपनी ने कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे टर्न एड्रेस जो था वो वजीरेस का था या फिर कॉइन स्विच का या फिर जेपे का था, तो वो एड्रेस यहाँ से जो है फ्लैश कर दिया गया है। अभी आपको यहाँ पे न्यू टर्न एड्रेस डालना पड़ेगा, तो और यहाँ पे कौन सा वॉलेट का एड्रेस डालना पड़ेगा इस वीडियो पे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंपनी ने आप डिस्प्ले पे देख भी सकते हो बता रखा है कि आपको अभी जो है ट्रॉन लिंक प्रो से ही यहाँ पे विड्रॉ करना है, ठीक है, अगर आप इंस्टेंट विड्रॉ लेना चाहते हो तो ट्रॉन लिंक प्रो से आपको करना है। और विड्रॉ का ऑप्शन जो है फर्स्ट विड्रॉ आपको ट्रॉन लिंक से कल ही देखने को मिल जाएगा जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। और विड्रॉ करते ही आपको सेम डे पर 2 घंटा 3 घंटा या फिर सेम डे पे ही वो विड्रॉ आपको ट्रॉन लिंक पर मिल जाएगा, ठीक है। एंड मुझे विड्रो का जब ऑप्शन है कब कब अवेलेबल होगा इसका जो अपडेट आया मैं बता दूँ, तो पहले कल आपको मिल सकता है एंड उसका परसों या फिर तरसों फिर मिलेगा, फिर 2 दिन बाद आपको मिलेगा, मतलब रिसेंटली कंटिन्यूसली आपको मिल रहा है ऐसा मुझे यहाँ पे आया है ऊपर से इन्फॉर्मेशन कि विड्रो का ऑप्शन कब कब अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें जो यहाँ पे ट्रॉन लिंक प्रो इंस्टॉल करना है, कौन कौन से चीज़ों को ध्यान रखना है, किस तरीके से विड्रो करना है, सारा कुछ हम लोग अभी जान लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिना स्किप करे देखिए, नहीं तो थोड़ा अगर आप नहीं समझते तो आपको वो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो गाइस टर्न लिंक प्रो वॉलेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड वॉलेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड सेलेक्ट करिए, अदरवाइज अगर आपके पास आईफोन है तो वो iOS पे सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सपोज आपके पास एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप गूगल प्ले क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली टर्न लिंक प्रो के जो है पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको इसको सिंपली इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आ जाता है, यहाँ पे आपको न्यूली अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए और अभी मैं बताऊंगा आपको कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है यूज़र प्राइवेसी एग्रीमेंट आ जाता है, इसको आप प्रॉपर तरीके से रीड करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक नेम जो है सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना, ध्यान रखिए एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट पासवर्ड जो आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान पे रख के एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड जो है आपको स्ट्रांग रखना है, ध्यान रखिएगा स्ट्रांग पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है। तो जब भी आप पासवर्ड बनाते हैं तो वो
अगर सही रहता है तो यहाँ पे सारे के सारे ये जो नीचे कंडीशन है ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, फिर से आपको कंफर्म आपका पासवर्ड देना है, फिर से एक बार कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक पेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं जो यहाँ पे आपको कैमरा पे फोटो खींच के दिखा रहा हूँ ये पेज को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे जो है आपको ये बैकअप नेमोनिक का है, 12 से 24 आपको वर्ड मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 12 वर्ड मिलते हैं, 12 वर्ड आपको क्या करना होगा, आपको जो कहीं पे लिख के रखना होगा, क्योंकि अगर आपके बाई चांस आगे जाके आपका फोन हरा जाता है या एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है, तो अगर आपके पास प्राइवेट की और यहाँ पे बैकअप का जो वर्ड मिलता है अगर रहता है, तो आप जो इसको रजिस्टर कर सकते हो। और इसका जो है आपको बैकअप का जो अभी की वर्ड मिलने वाला है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो बैकअप नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट टेक ए स्क्रीनशॉट, मतलब स्क्रीनशॉट भी आप नहीं मत लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो हैकर अगर चाहे तो हैक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, जो भी 12 वर्ड मिलेंगे आपको, वो 12 वर्ड को 1, 2, 3 करके आपको यहाँ पे लिखा पड़ेगा, उसको आपको अपने एक प्राइवेट प्लेस पे लिख लेना है, ठीक है। बिल्कुल सही से वर्ड्स को आपको लिख लेना है और किसी के भी साथ इसको आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये हो जाता है और प्राइवेट की मिलता है किसी को, तो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। इसलिए ध्यान पे रखना है, किसी को भी शेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो भी आपको वर्ड मिलेंगे 12 वर्ड, उसको आपको 1, 2, 3 करके ऐसे लिख लेना है स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक कर देना है। और जो भी वर्ड है उसको आप लिख लेंगे सही तरीके से। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आई हैव सेव्ड इट सिक्योरली पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो है आपको कंफर्म नेमोनिक पे क्लिक आ जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई भी एक नंबर दे देगा, ठीक है। और वो नंबर पे कौन सा वर्ड था, वो वर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे आपको 6 वर्ड्स मिल जाएगा, तो पिछले पेज पे आपने वो वर्ड्स लिख के रखा होगा। तो अभी देखिए जैसे 4 है, 4 पे अगर मान लीजिए आपका 2 था, तो 2 पे सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। बस इसी तरीके से आपको कंफर्म नेमोनिक पे जो यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है, और आपका जो है वॉलेट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलेट क्रिएट हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको जो है OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पे इसका एड्रेस को वहाँ पे देना होगा, प्रोफाइल पे किस तरीके से विड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो सही से समझ जाइए। तो प्रोसेस से पहले और एक चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको नेमोनिक जो मिला है, बैकअप का जो वर्ड्स मिला उसको आपने तो लिख लिया, सही किया, और पासवर्ड को भी लिख के रखना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया। एंड साथ ही साथ यहाँ पे माई पे जाएंगे, माई पे जाकर के आप अकाउंट का यहाँ पे ये सेटिंग पे जाएंगे, तो आपको जो है बैकअप आपको प्राइवेट की मिलता है, प्राइवेट की को पे जाना है, पासवर्ड दे करके इसको ओपन करेंगे, तो जो की है उसको भी आपको सही तरीके से प्राइवेट जगह पर लिख के रख देना है। ये 3 चीज़ आपको करना है, ध्यान रखिए, एक पासवर्ड रखना है, एक प्राइवेट की रखना है, और एक बैकअप का वर्ड्स मिलता है उसको आपको प्राइवेट प्लेस पे रखना है। और किसी के भी साथ ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको बात करता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे विड्रॉ करना होगा, तो ध्यान से समझ जाइए प्रोसीड्योर को। तो विड्रॉ करने के लिए आपको ट्रॉन लिंक प्रो एप्लीकेशन ओपन करना है। एसेट पे आपको ऊपर दिख जाएगा ट्रॉन का वहाँ पे, ठीक है। नीचे सेंड और रिसीव, तो आपको रिसीव करना है। यहाँ पे आप लेंगे ट्रॉन को, यानी कि इसके लिए आपको रिसीव करना है, तो रिसीव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको QR कोड भी मिल जाता है और एड्रेस भी मिल जाता है आपका। तो सिंपली आपको करना है कॉपी द कलेक्शन एड्रेस पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जो एड्रेस आपका है रिसीव करने का वो कॉपी हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कॉपीड हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आपको OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का पेज पे लॉगिन करना है। यहाँ पे OSM टेक्नो में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेटिंग पे आना है और प्रोफाइल के ऑप्शन पे आना है। अभी प्रोफाइल के ऑप्शन पे आया है, आकर के आपको सबसे नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको TRX एड्रेस आपका भी यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है। अभी आपको सेव इन्फो करना है, लेकिन सेव इन्फो से पहले एक चीज़ आपको ध्यान जरूर रखना है, ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। बहुत लोग गलती किए हैं पिछले बार, ठीक है, अभी गलती नहीं करना है, आप सही से समझ जाइए। तो किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, कोई भी व्हाट्सएप नंबर ओपन करेंगे और जो अभी आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे। अभी फर्स्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट आप याद रखेंगे, और अभी यहाँ पे क्रोम पे आएंगे अपना OSM का पेज पे, यहाँ पे आप वो मैच कर लेंगे, 4 डिजिट आप देख लेंगे, अगर सही है डैट मीन्स आपका TRX एड्रेस आपने सही तरीके से डाला। अभी सेव इन्फो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अभी विड्रॉ करना है, विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है विड्रॉ का, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉ नॉट अलाउ है अभी, क्योंकि अभी रात का टाइम है। कल सुबह आपको मेरे ख्याल से मिल जाएगा विड्रॉ का ऑप्शन देखने का, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं सुबह लाइव विड्रॉ का वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगा, किस तरीके से लाइव विड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से वो पैसे को आप बैंक पे ले सकते हैं। कल मैं इसका वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट वीडियो, ठीक है। तो वहाँ से विड्रॉ करने के बाद थोड़ा मैं अभी ओवरव्यू बनाया, तो यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना है।
सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है रिसीविंग अकाउंट पे वो अकाउंट देना है, कोई भी एक्सचेंजर का वजीरेक्स कॉइनसुच कोई भी दे करके आपको यहाँ पे बाकी के TRX अमाउंट वगैरह दे करके यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो है इंस्टेंट वो आप जो TRX सेंड करेंगे वो वहाँ पे सेंड हो जाएगा, उसके बाद आप उसको जो है बैंक विड्रो कर सकते इजीली। ठीक है, तो मैं इसका लाइव प्रोसेस कल आपको दिखाने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो मेक श्योर करिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो होप ये वीडियो आप लोग काफ़ी हेल्पफुल लगा। इसी तरीके से आप अपने ट्रॉन वॉलेट को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे एड्रेस को प्रोफाइल पे अपडेट कर दीजिए। बाकी मैंने मिलता हूँ नेक्स्ट कल के वीडियो, तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।